पहले महीने की कमाई हमारे 9,000 मिली है, और उसके बाद में दूसरे महीने में एक महीने की कमाई 9,000 हुई थी जून की, और गाइस हमारी जून महीने की हुई है 12,000, और अभी इस महीने की कमाई वो होने वाली है लगभग 20,000 के ऊपर हो जाएगी। तो हमने बहुत मेहनत की है यहाँ दोस्तों, आप भी मेहनत कर सकते हो। अगर आप YouTube पर नए चैनल बना रहे हो और आप नई वीडियो डाल रहे हो तो आप मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन सफलता की कुंजी खुलने वाले कर रहा है। पैसे नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे, इसके आएंगे नहीं आएंगे सब मजाक बना रहे हैं, मजाक मजाक में कुछ नहीं होता। आप मेहनत करोगे तब आपको YouTube पर पैसा मिलना शुरू होगा। मेरा भी 3 महीना हुआ है। अभी जो लोग पहले सोच रहे थे कि ये वीडियो बना के क्या करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आज वही लोग बोल रहे हैं हमारे YouTube का चैनल डाल दो, हमारे YouTube चैनल बना लो, हमारा भी वीडियो को सब्सक्राइब ला के आओ, वीडियो का व्यू नहीं आ रहा है। अभी वो जो लोग पहले बोल रहे थे कि तुम वीडियो बना के क्या कर लोगे, पैसे कैसे कमा लोगे, नहीं आएगा, ऐसा नहीं आता है, एक बार तो काम करना, खेत में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि यार हम तो एक दिन अपना अपन का वीडियो व्यू आएगा, वीडियो पे मोनेटाइज भी होगा, ये मैं अपने खुद डिसीजन करके बैठ गया कि मेरा एक दिन चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा। तो आज बहुत खुशी है मुझे कि 3 महीना हो गया है, मोनेटाइज भी हो गया है। तो मैं पहले पबजी का वीडियो डालता था, आप हमारे आईडी में देख सकते हो, पबजी का वीडियो बनाता था और पबजी का भी वीडियो बना डाला था मैंने, और 2-3 वीडियो ऐसे भी डाले मैंने जो मेरा खुद का पेज था। और एक बात आप ध्यान रखो, अपना खुद का पेज का वीडियो सबसे ज़्यादा अपलोड करो। आप भला पबजी का वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, किसी का भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो उसमें अपन का खुद का फेस का वीडियो डालने से एक फ़ायदा ज़रूर है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता भी है कि हमारा चैनल बैन हो दिया जाएगा, तो उसके बाद में बैन हो जाएगा तो हम दूसरा चैनल बना सकते हैं, वह तो कोई भी कर सकता है। पर अगर फेस का वीडियो नहीं होगा तो आप तो हमारा चैनल पक्का लॉस में जाएगा। क्यों जाएगा? एक ही कारण है कि हमारा वीडियो पे व्यू आएगा तो अपन फेस का वीडियो आएगा, फेस में आएगा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद में हम फेस अपना खुद का वीडियो बना के नहीं डालेंगे तो अपन को कौन जानेगा कि कौन बना रहा है वीडियो, कौन डाल रहा है। अपन खुद का वीडियो बना के डालेंगे ना तो मालूम पड़ेगा, किसी को सब्सक्राइबर को मालूम पड़ेगा, सबको मालूम पड़ेगा भाई ये बंदा वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है ऐसा। तो उसके बाद में अपन चैनल बैन हो जाते तो फिर भी अपन दूसरा चैनल खोल सकते हैं, तो उसके बाद में खोल भी सकते हैं और अपने वापस सब्सक्राइब भी हो सकता है, क्योंकि जान पहचान बहुत बड़ी होती है। अगर अपन फेस का वीडियो नहीं डालेंगे तो अगर भगवान करे चैनल बैन हो जाएगा तो उसके बाद में अपन वीडियो का नाम चैन वो ही रख सकते हैं, बैन हुआ उसका चैनल, तो उसको वीडियो ऐसा कैसा डाल रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि व्यू नहीं आएगा। एक भाई था, उसका 3 मिलियन सब्सक्राइब था, तो उसका चैनल बैन हो गया, उसने एक ही गलती की थी। क्या गलती? उसने अपन का खुद का पेज का वीडियो कभी नहीं बनाया। अब मैं भी वीडियो देखता हूँ, मनोज डे का वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, फिर भी यार अपन का फेस का वीडियो डालना चाहिए। हाँ पबजी का भी डालो, मैंने पबजी का वीडियो भी डाला है, तो उसमें ऐसा करो आप हर बार पबजी का वीडियो भी डालो, दूसरा वीडियो फिर भी डालो, फिर भी उसमें जा लगभग 100 में से 10% आप अपना खुद का फेस का वीडियो बना के डालो, ये 100% बोल रहा हूँ, एक दिन ज़रूर काम आएगा, ये मैंने आजमाया। और आजमाने के बाद में आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक बेर चैनल था, एक और चैनल है, तो उसमें लगभग बहुत सब्सक्राइब भी बहुत हो गए हैं और एक वीडियो पे 50,000 लाख के ऊपर व्यू आ रहे हैं। तो उसमें एक ही गलती की मैंने, क्योंकि मैंने वो सॉन्ग डाल दिया मारवाड़ी सॉन्ग, किसी का यूट्यूब का मैंने डाउनलोड करके मेरे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो एक दिन मुझे मालूम एक दिन उसमें बैन आएगा।
तो कॉपीराइट आएगा, तो कॉपीराइट आने के बाद में मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही बंद कर दिया चैनल। बंद करने के बाद में मैं खुद का दूसरा वापस चैनल शुरू कर दिया, तो आज आपकी वजह से मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ गए और व्यू भी बढ़ रहे हैं और इनकम भी आने लग गई है। और आप चाहो तो आपकी भी इनकम आने वाली है, आ सकती है, क्योंकि तो आप एक ही लक्ष्य बना कर रखोगे। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके पूरा काम का सब छोड़ दो और वीडियो बनाने लग जाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि 4,000 मोनेटाइज होने में बहुत टाइम लगता है, सब्सक्राइब भी होने लगता है, मोनेटाइज होने लगता है। परिस्थिति ऐसी हो तो कोई गरीब हो, कोई कैसा हो, तो उसके बाद में कोई काम धंधा छोड़ देगा तो खाएगा भी। इनकम उधर यूट्यूब में आने में बहुत टाइम लग जाता है, 12 महीना भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है। और अपन वीडियो बनाते हैं अच्छा, अगर सब्सक्राइब हो गया है, मोनेटाइज नहीं हुआ, तो फिर तो उसमें ऐसा करना कि काम भी साथ में करना है, काम पे भी जाना है, काम भी करना है, नौकरी है तो नौकरी भी करना है। खाली शाम को या सुबह में 2 घंटा निकाल के अपना खुद का वीडियो बना के 1 या 2 वीडियो में उसका अपलोड करते हैं। नेट तो वैसे भी करवाते हो आप, महीने का रिचार्ज करवाते हो तो उसमें चलता है, इनकम फोन इनकम भी होता है और मैसेज भी होता है, नेट भी यूज करते हो, वीडियो भी देखते हो, उसमें क्या 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना दो और रोज़ का एक वीडियो डाल दो तो उसमें क्या होता है। नहीं तो टाइम बर्बाद होता है ना, किसी का पैसे तो कहीं से आ रहे हैं तो वो उधर जो भी नहीं सोच सकते, जो भी रहेगा ये भी रहेगा, ऐसा है। तो आप गाइस हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा 4,000 वो स्टंप कैसे लेके आना है, 1,000 सब्सक्राइब कैसे करना, वो नए सब्सक्राइब नए यूट्यूब चैनल वाले हैं उसको वो भाई कैसा वीडियो डाले और कैसे करके वीडियो को डाले, कैसे एडिट करें। और उसमें एक ऐप आया हुआ काइंड मास्टर, उसका लिंक मैं वीडियो के मैं डाल दूंगा, और फिर भी उस पर काइंड मास्टर पे अलग वीडियो पे काइंड मास्टर पे अलग वीडियो बनाऊंगा, जो वो वीडियो आप देख के नए सब्सक्राइबर हो, नए यूट्यूब चैनल वाले हो तो वीडियो देख के आप एडिट कर सकते हो। तो ठीक है, तो गाइस हमारा ये नोटिफाइन, तो अगर गाइस हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट करना।